खोदा पहाड़ निकला चूहा, अब वही होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मतीश पैशन। आज है थर्सडे, 11:10 बज गया, तो इसी टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह में तो ब्रेकफास्ट ये सब हो गया और मम्मी अभी खाना बना रही है। अभी मैं बालकनी में भी क्यों बैठी हूँ इतने गर्मी में, क्योंकि बालकनी से शुरू करूँगी मेरी क्लीनिंग, क्योंकि बालकनी बहुत दिनों से मैंने जो कुशन वगैरह है वो चेंज नहीं किया। 10 या 15 डेज के अंदर एक बार कोशिश करती हूँ चेंज करके वॉश करने के लिए सारे दे दूँ। तो काफ़ी दिनों से मुझे टाइम भी नहीं मिला था और मम्मी आई थी और भूल भी गई थी ये सब, तो कल रात को मुझे याद आ रही पापे ये तो सब नहीं हुआ। फ्राइडे नॉर्मली करती हूँ, तो कल थोड़ा बाहर जाऊँगी तो इस वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे शायद नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा नहीं आज थर्सडे आज ही कर लूँ, नहीं तो ये वीक वीक में नहीं हो पाएगा। और आफ्टरनून मैं कैसे करके स्पेंड करूँगी थर्सडे आफ्टरनून, वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो पहले यहाँ से ही शुरू करें, और पहले तो बाल तो पहले बांध लें। नॉर्मली मैं बाल बांधना मुझे एकदम ही पसंद नहीं है क्योंकि मेरा हेडेक जैसा हो जाता है, तो मैंने सोचा नहीं अभी तो बाल तो बांधना ही पड़ेगा ना, इतने गर्मी में खुले बाल रहूँगी तो हो गया, तब तो काम ही नहीं कर पाऊँगी। तो पहले शुरू करें। और अभी बालकनी का तो हो गया थोड़ा बहुत, और प्लास्टिक का तो बाद में करूँगी। और कैसे करके मैं क्लीन करती हूँ वो तो ऑलरेडी मेरे बालकनी क्लीनिंग वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी रूम का भी कर लें, नहीं तो यहीं पे बैठी रहूँगी तो पूरी दिन यहीं पे बीत जाएगा।
डिटॉक्स वाटर पी लूँ, एनर्जी तो चाहिए क्योंकि अभी बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, तो पहले ये पी लूँ। आज ऑरेंज डाला, मौसम भी नहीं था इस वजह से ऑरेंज। स्वीटी स्कूल से भी आ गया और मम्मी स्वीटी आज का वीडियो देख रहे, कुछ काम नहीं है, वीडियो देख रहे। मम्मी ने तो खाना बना लिया, चलो खाना खाए। मेरा दो बार तो नहाना हो गया सुबह से, दो बार। अरे बाप रे, मुंबई पे गर्मी मतलब तंदूर जैसा। और खाना तो खा लिया, अभी कुछ कुरियर आया है, देखते हैं क्या है। शॉप है शायद। ये बॉक्स खोलने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन खोलने के बाद जब दिखाई देता ना चाल डाल ये सब, तब बहुत गुस्सा आ जाता है। कुछ अच्छा अच्छा गिफ्ट मिला तब ना, मेरे घर पर जाता था चाल डाल शक्कर हनी ये सब ही मिलेगा, कुछ अच्छा कुछ मिले गिफ्ट। हाँ सरप्राइज गिफ्ट कभी नहीं मिलता इसमें, तो वो जो नाम देख के मुझे लग रहा है सोप 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 ही होगा। और ये टली के दी ठीक है कितना सॉल्ट। हाँ
हाँ वो जो बोला था ना हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट, ये SOS कंपनी का, उस टाइम पे मेरे पास था नहीं तो ये वाला आया है। दो सॉल्ट देखो, इतनी बड़े अच्छे डब्बा खोल के अगर सॉल्ट मिले तो क्या मूड ही खराब हो जाते है। हाँ ये स्टोव है, ये सोप, ये स्मॉल स्मॉल साइज का है, छोटा छोटा फ्लेवर। ये सारे का डिटेल्स मैं अपडेटेड ग्रोसरी जब बनाऊंगी, मैंने हींग बताना भूल गई, केसर बताना भूल गई, होता नहीं इतनी सारी थोड़ी याद आएगा। जब मैं एक जगह पे लिख के रख रही हूँ सारे, जब मेरा हो जाएगा कंप्लीट ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड का जो जो मतलब जानना है, तो उसमें मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी और डिटेल्स और लिंक भी शेयर कर दूंगी। हाँ ये इस टाइप का छोटा छोटा, वो SOS ऑर्गेनिक, ये SOS ऑर्गेनिक का ही सोप है, क्योंकि बड़ा सोप ही मिलता है तो हमें ये छोटा वाला पसंद है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इतनी सारे छः फ्रेग्रेंस का आते हैं, छः और वो भी हर बार अलग अलग आते हैं। इसमें बड़ा साइज का मिलता है, लेकिन बड़ा साइज का क्या, एक ही सोप लगाते रहो। और ये कैंडल शांतनु ने पहली बार ऑर्डर किया है। ओ वीवैक्स कैंडल, ये तो कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है ना, वीवैक्स लिप बाम लिपस्टिक में यूज किया जाता है। हिमालयन फॉरेस्ट, हाँ हिमालयन फॉरेस्ट का एक अलग खुशबू आता है, जब जो होता है ना वाइल्ड फ्लावर ये सब मिला के एक खुशबू आता है ना, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। ये पहली बार मैंने लिया है, छोटा सा जंगलर फ्लावर, ये जंगल का फ्लावर जैसा खुशबू हो गया। खत्म, क्या निकला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, होता पहाड़ निकला चूहा, अब वही होता है मेरा आर्मी से बॉक्स खोलने के बाद। इस बार तो फिर भी ये थोड़ा अच्छा वाला कुछ नहीं, तो सॉल्ट देख के किसका सोचो आप, घर पे कोई बॉक्स आए अच्छा वाला, इतना अच्छा सा बॉक्स आए उसके बाद निकला क्या सॉल्ट, क्या लगेगा, कुछ कॉस्मेटिक हो, कुछ क्रीम हो अच्छा वाला, कुछ नेल पॉलिश हो, कुछ हो, मेरा नॉर्मली इसी तरह से ही होता है। और देखो मम्मी क्या खा रही है, मम्मी दही खा रही है, रोज दही खाती है। अब मुझे वो दही पसंद नहीं है, मैं खाने के साथ हाँ मीठा कुछ है, हाँ मम्मी शक्कर डाली थी थोड़ा सा नमक, ये नमक ओ काला वाला नमक, काला वाला ब्लैक सॉल्ट। और ये देखो स्वीटी बोल रही है पेंडा खाएंगे, पेंडा मतलब स्वीट, पेड़ा पेड़ा पेंडा। और अभी हमारा खाना खाने हो गया, पैकिंग खोलना भी हो गया और बैठ गया। स्वीटी अभी एलन वॉकर का सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही है, वो तो आप सबको मैं सुना नहीं सकती कॉपीराइट के वजह से। हाँ इंस्टाग्राम में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए स्वीटी का सॉन्ग, जो मैं यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकती वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या मेरी इंस्टाग्राम का एड्रेस नीचे आएगा आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर जाकर मेरे ड्रेस के बारे में अगर आपको जानना है, या मैं मेरी गाना वगैरह मैं थोड़ा कोशिश करूँगी वहाँ पे शेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे स्वीटी का सिंगिंग का जो थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स, तो वो तो मैं इंस्टाग्राम पे ही शेयर करूँगी। तो अभी क्योंकि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, हाँ अलोन वाला उसका कंप्लीट हो गया, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक को इंस्टाग्राम पे उसका थोड़ा क्लिपिंग्स मैं पोस्ट करूँ। अभी मम्मी आ गए, अभी तो हम लोग सोएंगे, ऐसे भी चला लिया ठंडा लगता है, मुंबई पे जो जो है ना उनको ही पता है मुंबई का वेदर। मम्मी बोले यहाँ पे कितना गर्मी है, जैसा होता है ना ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से तो अभी ठंडा है घर, मैंने फैन भी आपके ऐसे चलाया, अभी सो गई थोड़ा सा, क्योंकि अभी शाम के बाद मेरा एक वीडियो का एडिटिंग भी है। और आज का वीडियो मैंने इसी तरह से थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश किया, मैं कैसे करके जिस दिन क्लीनिंग करती हूँ किस दिन उस दिन कैसे करके मैं करती हूँ घर का, ये नॉर्मली वीक में एक दिन तो करती हूँ। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन नीचे होते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।